आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी चटनी जो शायद ही अभी तक YouTube पे आपने सुनी होगी और देखी होगी और कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं एक आज अलग चटनी, नई चटनी और बहुत ही टेस्टी सी चटनी। तो हमने ली है, ये है 8 मिर्च हैं। ये आप अपने हिसाब से जितनी आपको चटनी बनाना हो उस हिसाब से मिर्च ले लीजिए। यहाँ पे कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि आपको इतनी ही मिर्च लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। और लहसुन भी, ये देखिए हमने 4 गांठ ली हुई है लहसुन की, आप कम या ज्यादा भी ले सकती हैं। सर्दियां हैं तो लहसुन अच्छे से खाना चाहिए, तो इससे ज्यादा भी ले सकती हैं, और गर्मियां हैं तो कम ले सकती हैं, और अगर आपके घर में कम खाया जाता है तो कम ले सकती हैं, और ज्यादा पसंद है सबको तो ज्यादा ले सकती हैं, यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है। ये है मूंगफली के दाने, तो ये होंगे 4 चम्मच मान लीजिए, 4 छोटी चम्मच मान लीजिए या आधा कप मान लीजिए मूंगफली के दाने हैं। तो हम बनाने वाले हैं इनकी चटनी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी। शायद ही अभी तक आपने यूट्यूब पे इसका नाम सुना होगा जो आज चटनी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं आगे का प्रोसेस इसका। तो सबसे पहले हम इनके मिर्च के जो डंठल हैं इनको हटा देंगे सभी के। ये देखिए इस तरीके से सभी के डंठल हटा देंगे। चाकू की सहायता से या टूथपिक की सहायता से या फिर बड़ी वाली जो सुई होती है उसकी सहायता से किसी भी तरीके से आपको इनमें चीरा लगाना है। तो मैं चाकू की सहायता से लगा ले रही हूँ सभी में चीरा इस तरीके से। तो हमने इनमें चीरा लगा लिया है सभी मिर्चों में। आप चलते हैं गैस की तरफ। तो ये हो रहा है कढ़ाई में हमारा ऑयल गरम। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें करेंगे इन चीजों को फ्राई। तो देखिए मूंगफली के दाने हमारे पहले से जो मूंगफली थी वो भुनी हुई थी, इसलिए हमें दाने फ्राई नहीं करना है। अगर आपकी मूंगफली कच्ची है तो सबसे पहले आप दाने फ्राई करिए और उसके बाद ये हरी मिर्च ऐड करेंगे ऑयल में और ये लहसुन की गांठ ऐड करेंगे और सभी को चला देंगे। और 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, इसलिए कि कहीं एकदम से मिर्च या लहसुन मिर्च तो नहीं चटकेगी, क्योंकि इसीलिए हमने चीरा इसमें लगाया है, लहसुन की गांठ कहीं चटक के ऊपर नहीं आए। तो इसलिए 2 मिनट के लिए हमने पहले 1 मिनट के लिए इसको ढक दिया है और फिर हम इसको खोलेंगे और चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुका है इनको ढके हुए, अब हम इनको चलाते हुए फ्राई करेंगे, अच्छे से पलट देंगे। हमें इनको ब्राउन होने तक मिर्चों को फ्राई करना है और लहसुन को दोनों को। तो देखिए हमारी मिर्चें जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और मैं इनको अब निकाल लेती हूँ कढ़ाई से, अलग कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ ये देखिए। और हमें इनको जब फ्राई करना है तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है। चलिए हम इनको निकाल लेते हैं बाहर, मिर्च को लहसुन को दोनों को ही निकालना है हमें बाहर। तो मिर्च और लहसुन को हमने अभी फ्राई किया है इसलिए ये है बहुत ज्यादा गर्म, तो अभी इनको हम थोड़ा सा नॉर्मल होने देते हैं। तब तक हम चलते हैं ये जो मूंगफली के दाने हैं हमारे इनको कूट लेते हैं दरदरा दरदरा, क्योंकि ये गर्म नहीं है, क्योंकि इनको हमने फ्राई नहीं किया है, क्योंकि हमारी मूंगफली भुनी हुई थी तो हमें इनको फ्राई नहीं करना था। अगर आपकी मूंगफली कच्ची है तो आप फ्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए पहले इनको कूट लेते हैं थोड़ा सा और इनको नॉर्मल होने देते हैं। तो हमने ये रखा है दानों को सिल पे, सिलवट्टा जो होता है ना उस पे, और इसको हम इस तरीके से इनको कूट लेंगे थोड़ा सा। भुने हुए दाने हैं तो बहुत ही जल्दी से टूट जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो हाथ से हम इनको दबा रहे हैं और ये आराम से एकदम से टूट रहे हैं। दाने हमारे कूट चुके हैं, दरदरे हो चुके हैं और ये जो लहसुन है इनकी सारी कलियां हम अलग कर लेंगे इस तरीके से, इनको अलग कर लेंगे और फिर इनको हमें छीलना है। तो अब ये इस तरीके से छिल जाएंगी कि छूते में ही इनके छिलके जो हैं अलग हो जाएंगे, बिल्कुल भी अब इनको छीलने के लिए हमें
कुछ नहीं करना है, बस दबाने से ही इनका जो, देखिए जैसे ये है, देखिए इस तरीके से ही ये निकल जा रही हैं, बिल्कुल भी हमें छीलना नहीं पड़ रहा है, बस केवल दबा दो उसी में ये निकल जा रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो हमें इनको अलग कर लेना है सभी कलियों को और छील लेना है। अब ये देखिए लहसुन की जो कलियां थी वो हमने छील ली हैं, वो भी हम इसमें डाल लेंगे, और ये मिर्च है इनको भी हम डाल लेंगे इसमें, और सभी को इस तरीके से प्रेशर देते हुए इनको हमें दरदरा दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, और सभी चीज़ हमारी फ्राई है तो बहुत जल्दी से ये कूट जाएगी, तो सभी को हमें इस तरीके से दरदरा कूटना है। अगर आपके पास इमाम दस्ता है छोटा सा तो उससे भी कूट सकती हैं आप, हमारे पास नहीं था तो हमने जो है सिल बट्टे का यूज़ किया है, और अदरक वाला जो होता है इमाम दस्ता उससे तो नहीं कूट पाएगी, अगर बहुत ही कम क्वांटिटी में है अगर आपकी चटनी तो कूट जाएगी, तो मैं इसको इससे कूट लेती हूँ। तो ये देखिए हमने इसको दरदरा दरदरा कूट लिया है दरदरा, और अब हम इसमें डालेंगे कुछ जैसे कुछ मसाले, जैसे ये देखिए हींग है, हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसमें चटनी में आता है, तो हमने 2 पिंच हींग ऐड की है, और ये है कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, बहुत ही कम क्वांटिटी में ली है, और ये है 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, और ये है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ा सा या तो अमचूर पाउडर मिक्स कर दीजिए या फिर नींबू का रस मिक्स कर दीजिए। तो सर्दियां चल रही हैं तो मैंने अमचूर पाउडर जो है ऐड किया है थोड़ा सा, जिससे कि एक खट्टापन आता है हमारी चटनी। तो हमारी चटनी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में, तो हमारी हो चुकी है ये चटनी तैयार, और मैं बता रही हूँ अब इसका नाम, इसको बोलते हैं कोल्हापुरी चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, और एक बार जरूर बना के देखिएगा आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन दिया गया है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोल्हापुरी चटनी का मजा लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।